रोटरी क्लब। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप गाइस सब लोग ठीक होंगे। तो फिलहाल गाइस आज का सीन कुछ ऐसा है कि भैया ने स्कूटी आज फाइनल कर ली है, कौन सी लेनी है, तो आज जाएंगे उसकी बुकिंग के लिए। और मैंने सुना है कि रोटरी क्लब का मेला भी लगने वाला है, उसकी तैयारी सब हो चुकी है, तो आज जाएंगे। आपको तैयारी कैसी क्या चल रही है वहाँ पे? चलिए फिर चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं, ठीक है? हम लोग निकल चुके हैं मार्केट के लिए और थोड़ा काम है उसको निपटाते हैं चल के। तो आपसे फेस तो ज़्यादा नहीं दिखाएंगे, सीधे आपसे मोटर ब्लॉगिंग पे मिलते हैं, ठीक है? तो फिलहाल गाइस हम लोग आ चुके हैं अपनी मोटर ब्लॉगिंग पे एक बार फिर से। तो हम लोग हैं मार्केट में जा रहे हैं अपना काम निपटाने के लिए। और जो कि आप लोगों ने अगर पिछले ब्लॉग आप कंटिन्यू देखते हैं तो मेरे को काम था तो वो आधा रह गया था। तो इसके जो पिछले वाला ब्लॉग है वो लेट हो गया थोड़ा, वो आज 1:30 बजे करीब आया है ब्लॉग, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। कल थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि इसलिए प्रॉब्लम हो गई थी, आप जो मैं वीडियो बना रहा हूँ 4K में वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छी क्वालिटी मिल सके, तो इसीलिए 4K में वीडियो बनाई। और नेट थोड़ा स्लो चल रहा था आज, वाईफाई में पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही थी तो बहुत स्लो चल रहा था, तो इसीलिए आज थोड़ा वीडियो लेट हो गई, मतलब सॉरी कल हो गई, लेट हो गई यार, मैं भी बार बार क्या बोल दे रहा हूँ भाई। तो वीडियो कल थोड़ी लेट हो गई, कोई दिक्कत नहीं, अब जो भी होगी मैं अपना 100% सोचता हूँ कि मैं आपको मेहनत करूंगा एडिटिंग। आप जो है भाई मेहनत करेगा, थोड़ी एडिटिंग जल्दी करने की कोशिश करेगा, जल्दी हो जाती है लेकिन ये ना थोड़ा उसमें 4K में टाइम लगता है सेव होने में। हाँ वो मेन चीज टाइमिंग की दिक्कत है ना, अब मान लो फोन में सेव जल्दी हो जाती है तो अपलोडिंग में टाइम लग जाता है, सेविंग में भी टाइम लगता है, अपलोडिंग में भी टाइम लगता है, तो वो डबल टाइम हो जाता है। समझ लीजिए मैंने एक फोन से दूसरे फोन में ट्रांसफर करी वीडियो तो 1 घंटा अप्रॉक्स लग गया था वीडियो ट्रांसफर होने में। उसके बाद फिर वहाँ से लैपटॉप में ट्रांसफर करी, लैपटॉप से फिर वीडियो अपलोड करी यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे तो फिर आप लोगों को पता है टाइम लगता है भाई, जब 7-8 GB की वीडियो बनेगी तो उसको अपलोड होने में टाइम लगेगा भाई, कितना भी आप फास्ट नेट क्यों ना चलाओ तब भी थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा ही लगेगा। तो ये आ गए हम लोग मेन मार्केट में, इस टाइम देखिए कतई दिवाली की सजावट चल रही है बहुत अच्छी, और दिवाली की तो वाइब ही अलग आती है बिल्कुल, सबके दुकानें सजी हुई होती हैं, सब एकदम मॉल में होते हैं, खुश होते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो फिलहाल गाइस अब सीधे निकलते हैं अपने काम। फिलहाल गाइस हम लोग आए हैं शोरूम पे और स्कूटी देखने के लिए एक बार फिर से आ चुके हैं। ये देख लीजिए आप स्कूटी है यहाँ पे, और देखते हैं क्या होता है, फाइनल करते हैं नहीं करते हैं। और हम लोग थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन टाइप का हो रहा है कि कौन सी लेनी चाहिए। और अब हम आए हैं A1 के शोरूम पे और आज शायद फाइनली वो हो ही जाएगी स्कूटी, चलिए फिर देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं, ठीक है? ये देखिए स्कूटी का स्टॉक भर भर के है, तो अब चलते हैं अंदर और स्कूटी फाइनल करवाते हैं। फिलहाल गाइस हमने स्कूटी बुक कर दी है अपनी, तो ये नहीं पता अभी कौन, अभी हम आपको रिवील नहीं कराएंगे कौन सी स्कूटी बुक की है, तो मैं मतलब ऐसे दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है? ये स्कूटी बुक करी है, अभी इसके पैसे नहीं दिखाएंगे हम, बाद में दिखाएंगे वो आपको, ठीक है? गाइस फाइनली हमारी स्कूटी बुक हो चुकी है, और स्कूटी कौन सी मैंने आपको थोड़ी सी झलक तो दिखाई दी थी, और आपको कौन सी स्कूटी बुक की है? स्कूटी बुक की है A1 कंपनी की है। तुमने तो कहा था रिवील नहीं करूंगा, रिवील तो रिवील मतलब नाम बता दिया ये, और स्कूटी थोड़ी बहुत झलक दिखा भी दी है, बाकी बुकिंग लेंगे तो आपको फाइनल उसका बताऊंगा, उसका पूरा रिव्यू दूंगा आपको स्कूटी का, ठीक है? तो अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं रामा कॉलेज, अब वो क्यों जा रहे हैं, वो जा रहे हैं हमारे यहाँ लग रहा है रोटरी क्लब का मेला, तो देखते हैं कहाँ तक तैयारी पहुँची है उसकी, तो वो चीज़ आपको भी दिखाते हैं। तो वैसे तो अच्छा खासा मतलब तैयारी अच्छी खासी चल रही होगी मेरे ख्याल से, तो चलो चलते हैं देखते हैं कैसी क्या तैयारी चल रही है। फिलहाल तो वैसे कल से उसकी स्टार्टिंग है और गेट बंद ना हो गए, मुझे ये थोड़ी डर लग रहा है, और गेट अगर खुला होगा तो अंदर चल के आपको दिखाएंगे कहाँ तक तैयारी पहुँची है उसकी। बहुत अच्छा मेला लगता है, कल से इसकी स्टार्टिंग होगी और कल ही मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए आप लोग लिए इतना कर रहा हूँ, कल ब्लॉग शूट होगा परसों आ जाएगी, कल शूट कर लेंगे और परसों आपको वीडियो मिल जाएगी उसकी। ओ भाई तो आप गाइस थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ने लगी है, मौसम ठंडा होने लगा है अब, तो बाइक पे भी चल रहे ना तो हल्का हल्का ठंडा ठंडा लग रहा है, देखते हैं अंदर जाने देते हैं नहीं जाने देते हैं। और ये देखिए
रोटरी क्लब ऑफर पीलीभीत। देखें अंदर चल के देखते हैं गाइस कैसा क्या है, और इसी के अंदर मेला लगता है। चलिए चलते हैं देखते हैं एक बार। ये देखिए सारा मतलब काफी अच्छा स्टॉल लगे हैं। स्टॉल कितने 74 स्टॉल लगे हैं, 74 स्टॉल लगे हुए हैं। और ये देखिए काफी अच्छा है। अभी एक बार गाड़ी खड़ी करते हैं, तब उसके बाद आपको दिखाते हैं। यही खड़ी कर दो गाड़ी। हम लोग आ चुके हैं रोटरी क्लब के मेले में, और कल पूरा मतलब कल तक पूरा लगा देंगे इसको। और ये देखिए रोटरी गेस्ट हाउस, और काफी अच्छा लगेगा। कल देखें ना आप, कल काफी अच्छा लगेगा देखने में। और ये देखिए यहाँ पे प्रतियोगिता होती है। एक होगी रंगोली प्रतियोगिता, पोस्टर मेकिंग, गिफ्ट पैकिंग और फैंसी ड्रेस, मतलब काफी सारे प्रोग्राम होते हैं यहाँ पे। और इस बार तो मेरे को ऐसा लगा ना काफी और अच्छा लग रहा है मेला ये, और बहुत बड़े एरिया में लगता है। मतलब रामा कॉलेज हमारे यहाँ बहुत बड़ा है, काफी बड़े एरिया में लग रहा है इस बार ये तो। मतलब काफी अच्छा लग गया, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि गाइस अभी यहाँ पे मतलब किसी के स्टॉल नहीं आया, मतलब सबके आ जाएंगे यहाँ पे, पता है बाइक्स के। और एक चीज दिखाऊं आपको, पानी भरा हुआ था ना यहाँ, पानी भर गया था इसी चक्कर में, थोड़ा लेट हो गया मेला। और ये देखिए स्टॉल्स, ये देखिए हमें दोस्त मिल गए हमारे, ये खड़े हुए हैं, ये एक्चुअली नंबर लगे हुए हैं 6-7। तो देखिए फर्स्ट से स्टार्टिंग है इसकी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड है फोर्थ है। मैं तो ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतने स्टॉल लगेंगे इस बार। और यहाँ देखिए स्टेज बनाया जा रहा है, ये देखिए रोटरी दशहरा मेला आयोजित रोटरी क्लब ऑफर पीलीभीत, यहाँ पे स्टॉल बनाया जा रहा है, मतलब स्टॉल कह रहा हूँ सॉरी, स्टेज बनाया जा रहा है, यहाँ पर प्रोग्राम होंगे जो भी होंगे तो। और अब इधर चलते हैं यार, मेरे को पता है यहाँ पे YouTube की टी शर्ट पहन के आनी चाहिए थी, कि उससे थोड़ा सही लगता ना। अब देखते हैं। और यहाँ पे एक बनाया है, पता नहीं मतलब अब वो तो इसका फाइनल लुक कल दिखेगा हमें। अब ये लोग बंदे सब लोग पूरी रात भर मेहनत करेंगे, पूरा कल इनको रेडी करके देना है, समझ लीजिए किसी भी हाल में। हाँ नहीं यार, यहाँ नहीं फूके जाता है, रावड़ वहाँ सामने बनता है। तो ये लोग पूरी रात आज काम करेंगे, कल इनको रेडी करके देना होगा। आज तो फिलहाल कोई टिकट विकेट नहीं, कल से टिकट इसमें चालू हो जाएगा। 10 रुपये का सर एंट्री फीस होती है इसकी, और उसमें भी क्या होता है, उसमें भी एक आपको लॉटरी निकल मतलब मिलती है, पर डे की उसकी लॉटरी होती है। मैं आप उसमें मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और कुछ भी निकल जाता है उसमें, मोबाइल भी निकल सकता है। तो उसमें जो है लॉटरी टिकट भी होता है, काफ़ी कुछ होता है उसमें। $100 भी तो होता है। हाँ एक होता है 100 रुपये का, वो निकलता है मतलब बोले तो वो लास्ट में जब इसका जब एंड होगा ना तब निकलता है वो। और उसमें तो बहुत कुछ निकलता है, जैसे बाइक हो गई और फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन, मतलब बहुत कुछ उसमें निकलता है। और 10 रुपये वाले में? हाँ एक 10 रुपये वाला, वो डेली उसका डेली निकलता रहता है। और ये कुछ प्रतियोगिता है? हाँ ये प्रतियोगिता होती है यहाँ पे, और यहाँ पे सारे उसके बिना अनाउंस किए जाते हैं मतलब। तो काफ़ी अच्छा है, अब देखते हैं कल इसका लुक देखेंगे कैसा क्या लगता है। और आगे से इसका वेलकम लिखा हुआ है। अरे अपनी धनो खड़ी है YouTube, और एक बार दिखाते हैं आपको आगे से, और इधर से देख लीजिए कुछ, बस यही अभी तो ऐसे स्टॉल लगे हुए हैं बस। हाँ इधर देख लीजिए आगे, यहाँ पे जो 24-25 आ गए, जूम करके दिखाओ इधर आगे देखिए 24-25-26-27-28 आज शाम तक बन जाएगा मतलब। हाँ आज शाम तक मतलब शाम क्या, पूरी रात तक इन लोगों को तैयार करके देना ही देना है। रात के कल अगर थोड़ा बहुत रह जाएगा तो कल सुबह तक कर देंगे। फिलहाल रात में इसकी लगता है, दिन में तो इतना नहीं लगता, रात में लगता है मेला ये। अब देखते हैं क्या होता है। चलिए फिर अब चलते हैं, और आपको दिखाना था कहाँ तक इसकी तैयारी पहुँची है, वो चीज़ आपने देख ली होगी। और कल इसका जब लुक आएगा ना खतरनाक वाला, भाई साहब मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसमें आने के लिए, क्योंकि गणेश चौथ का मेला लगा नहीं यार, उसमें जाने का बहुत मन था, वो लगा नहीं, हमने सोचा चलो इसी में चल देना है, क्या दिक्कत है। चलिए फिर इसमें अब आपको दिखाते हैं कल जो फाइनल लुक आएगा ना, पूरा बन जाएगा। ए हे 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 बच गया गाइस, अभी भाई ठोक देता मेरे को, और भाई ठोक नहीं देता यहाँ पे, मतलब वो है ना क्या कहते हैं, हाँ वो बारिश की वजह से काई है, वो देख वहाँ से स्लिप होती हुई आई है रुकी नहीं गाड़ी, तो यहाँ पे पता पानी भर गया था, पूरे में पानी पानी भर गया था ये। तो गाइस इसकी लोकेशन मैं बता देता हूँ, लोकेशन कहाँ है अगर कोई मतलब बाहर से कोई आ रहा है तो, इसकी लोकेशन मैं बता देता हूँ। ये रोड आ रहा है डिग्री कॉलेज से, ठीक है, ये डिग्री कॉलेज, ये है ये डिग्री कॉलेज है हमारे यहाँ का, और ये डिग्री कॉलेज चौराहा है। अगर आप बरेली से आते तो बरेली से इधर आएंगे, सीधे चौराहे पे इस पे आएंगे, और चौराहे सीधे इधर आके ये है रोटरी दशहरा मेला लग रहा है, ठीक है। और इधर का तो छोड़ी दो, इधर आपको जाना ही नहीं है,
तो ये वैसे जा रहा है नेवेसी वाला रोड और ये है हमारा रोटरी मेला, ये लग रहा है। चलिए एक बार गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप गाइस आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं इस नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।